सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि राठौर और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी प्रकार का गाने रिमिक्स करते हैं या रिमिक्सर हैं तो आप अपने गाने में आपकी डिटेल्स कैसे फिल कर सकते हैं, यानी कि जिस प्रकार का आपने गाना मिक्स किया उसमें क्या क्या आपने ऐड किया, वो सारी जानकारी आपको अपने गाने की डिटेल्स में कैसे फिल करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह का गाना क्रिएट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसमें आपको आपकी डिटेल देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके गाने बहुत जगह शेयर हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अगर किसी को पसंद आते हैं तो बहुत सारे लोग उसे शेयर भी करते हैं। देन क्या होता है कि उस गाने को, जैसे अगर आपने रिमिक्स किया है, तो कोई भी बंदा चाहेगा कि ये गाना किसने रिमिक्स किया है, इनसे कॉन्टेक्ट कैसे किया जाए। तो इसी आधार पर आपको अपने गाने में आपके डिटेल्स फिल करना होता है। जैसे कि आपने गाना बनाया है तो सबसे पहले आपने गाना रिमिक्सर यानी जो गाना रिमिक्स करता है उसका नाम ऐड करना होता है अपने गाने के लास्ट में, ठीक है। देन आपको क्या करना होता है कि आपने किस टाइप में उस गाने को रिमिक्स किया है, ठीक है। ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, प्लस आपको अदर भी डिटेल भरनी होती है। ये दो चीज़ें, जैसे कि रिमिक्सर का नाम होता है और दूसरा गाना आपने किस टाइप में रिमिक्स किया है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या क्या जानकारी लगती है, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे कि आपके साथ जो भी लोग जुड़ना चाहें उस कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए जुड़ जाए। उसके बाद आपको अपनी लोकेशन देनी होती है कि आप किस एरिया से हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर जगह भी नहीं बताएं तो आपको अपनी स्टेट का नाम देना होता है या अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम देना होता है। थर्ड, अगर आप किसी प्रकार की वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं तो उस वेबसाइट का भी आपको नाम देना चाहिए आपने गाने की डिटेल्स में, और अदर कोई वर्क आप जिससे आप जुड़े हैं उसकी डिटेल्स भी आपको देनी होती है। तो इतनी सारी जानकारी आपको भरनी होती है। मैं अभी आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से इन जानकारियों को फिल करना चाहिए अपने गाने की डिटेल्स में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें डिटेल्स फिल करनी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम हमारे द्वारा किए गए रिमिक्स गाने में जो हमारी डिटेल्स होती है उसे कैसे फिल करना है। तो मेरा एक पर्टिकुलर फोल्डर बना हुआ है, चलिए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। ये देखिए, ये तीसरे नंबर का फोल्डर है जहाँ पर मैं नेम ऐड करता हूँ। इसे मैंने 018 नेम के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं अपने गाने में डिटेल्स फिल करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा गाना है। ये अब आपको जो डिटेल फिल करनी हो, देखिए, एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इसमें आठ कॉलम है। इसमें से आपको मुश्किल से छः कॉलम भरना होता है। ईयर तो ऑटोमेटिकली ले लेता है कोई भी चीज़ आप क्रिएट करते हैं, तो रेटिंग देने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम खुद से ही हमारे गाने की तारीफ नहीं कर सकते, ये तो पब्लिक के ऊपर होता है। तो चलिए, यहाँ पर होना आपका मेन नेम या आपका डीजे नेम जो भी आप कर रहे हैं, प्लस आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना होगा। यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन के बारे में बताना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी कोई भी वेबसाइट हो तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं इसके ज़रिए, क्योंकि जिस भी मोबाइल में आपका गाना प्ले होगा वहाँ पर आपके सारी डिटेल्स एक एक करके शो होती रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइटल दे देना होगा किसी प्रकार का, या अदर कोई, जैसे आप किसी को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ ये बना हुआ है, देखिए, यहाँ पर ये मेरा नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ पर मेरी लोकेशन, जैसे कि मैं हरदा ज़िले से हूँ, मेरी वेबसाइट जो कि बनने को तैयार है, बन रही है, यहाँ पर मेरा पूरा नाम डीजे पट्टू नायक, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर रवि राठौर भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर रवि क्या है मोबाइल नंबर के आगे रवि लिख दिया हूँ। यहाँ पर आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए, हैशटैग यानी अपना ट्रैक नंबर, अगर मेरा पहले नंबर यहाँ पर अभी पहले नंबर पे ही गाना है तो मैंने एक नंबर दे दिया हूँ, तो आप यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इस गाने को बताता हूँ, जैसे कि ये मेरी डिटेल है, मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेव करते जाएंगे हम, एक एक डिटेल करने के बाद हम कॉपी करके फटाफट से सेव करते चलते हैं। ये आप चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर नहीं लग रहा है, देखिए बिल्कुल कंप्यूटर में ही हो जाता है। अगर आप चाहें तो सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको यही सब करना होगा। ये देखिए, अब यहाँ टाइटल पे आप कुछ मैसेज छोड़ सकते हैं, जैसे कि अपने नाम के गाने बनवाने के लिए संपर्क करें, ये हमारा मोबाइल नंबर, ठीक है, इसे हमने सेव कर दिया।
ये यहाँ की जगह आ चुका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। तो बिल्कुल आप अपने गाने को जो आपने रिमिक्स किया है उसे आप इस तरीके की डिटेल फिर कर देन रहता है आपको फ़ोटो। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक सेकंड नंबर का फोल्डर बनाया एड फोटो का, देखिए इसे मैंने इस तरीके से सेट करके रखूँ। जैसे मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया MP3 ट्रैक, यहाँ पर अभी कोई भी गाना नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसे कट करता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ गाना पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा गाना वहाँ पर शो हो जाता है। मुझे यहाँ पर किसी प्रकार का एडिट नहीं करना था। तो ये होता है इस MP3 टेक सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ से एक फोल्डर ऐसा ऐड करना होता है जहाँ से आप फ़ोटो सेट कर पाए। तो इसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ जाकर हम फोटो भी ऐड कर लेते हैं जिससे हमारा गाना कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा शेयर करने के लिए। ये हो गया हमारा गाना, इसे हमने रिमूव किया। यहाँ से जाकर हम उस फोल्डर में इसे रख देंगे जहाँ से हमारे गाने प्ले होते हैं या हमारा कलेक्शन रखा हुआ। इसे मैंने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको अपने गाने की जानकारी जो कि बिल्कुल सही तरीके से भरना है, ताकि आप जहाँ पर भी आपका गाना शेयर हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके गाने सुनना पसंद करें और आपसे किसी न किसी संपर्क में बने रहने की कोशिश करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।